तो आफू भाई को आ रही डलोजी वाली फीलिंग, क्योंकि बोल रहे सामने दूर दूर पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये मानसर के पहाड़ है। ओ भाई 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 भाई। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज है एक स्पेशल डे, बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। तो आफू भाई कल से कह रहे थे कि कहीं यूनिक सी जगह पे हमने पार्टी करनी है। ऐसी है कि हम आ गए बर्मिनी। बर्मिनी बठिंडी से ऊपर एक जगह पड़ती है, काफी प्यारी जगह है ये, काफी मतलब पूरा जंगल टाइप है। यहाँ पे आपको मोर भी दिख सकते हैं, पूरे जंगली जानवर आपको कभी भी दिख सकते हैं। तो अभी मैं चला रहा हूँ आफू भाई की KTM और आफू भाई चलाएंगे मेरी RS। तो आफू भाई बोल रहे हैं यूनिक यूनिक जगह लगी आपको। खुद कहा आपने की यूनिक जगह, बोला ना ठीक है, मुझे पता नहीं ना था यहाँ लेके आया है। यूनिक निकली ना जगह है ना, यूनिक निकली। तो काफी मजा आएगा यार, क्यों मैं पहले भी आ चुका हूँ लेकिन काफी दिनों के थे यहाँ आए हुए, तो प्लान तो था यहाँ आने का, तो इसी बहाने बर्मिनी का चक्कर भी हो जाएगा। तो ना व्यू है ऊपर से, तो अभी हम निकलते हैं। आफू भाई चलाएंगे मेरी बाइक और मैं चलाऊंगा आफू भाई की बाइक। यार बहुत प्यारी जगह है, मतलब जम्मू में आपको ऐसी जगह बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे हम कल की वीडियो में भी आमिर भाई बहुत यूनिक सी जगह पे ले गए थे, तो वैसे ये भी काफी यूनिक जगह है। हमारा बर्थडे था, कह रहे थे कि वीडियो बना ले जाना कहीं यूनिक, तो यही यूनिक लगी यार कि मतलब जहाँ मजा भी आ जाए और खर्चा भी कम हो। जेब से खर्चा कम करो यार, पैसे चाहिए भाई, पेट्रोल बहुत महंगा है, पेट्रोल डाल डाल के जेब खाली हो गया हमारा आजकल। फ्रेंड के साथ तभी मजा है ना, फ्रेंड को सस्ते में निपटा बहुत मजा आता है। मतलब यहाँ से व्यू देखना आप, तो ये व्यू है यहाँ पे, मतलब पूरा पहाड़ पहाड़ है, छोटे 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 पहाड़, मतलब जिधर तक नजर जाएगी आपको छोटे छोटे पहाड़ दिखेंगे यहाँ से। और मौसम बिल्कुल ठंडा, एकदम ठंडा ठंडा मौसम होता है यहाँ पे। रोड थोड़ी सी खराब है बिलो से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो पकौड़े हैं भाई साहब, पकौड़ों का जवाब ही नहीं है, पकौड़े इतने टेस्टी मिलते हैं यहाँ पे। सिटी के लोग हैं उनको तो इन जगहों का पता नहीं है, ऐसी जगह है जम्मू में है भी, मतलब जो जम्मू सिटी के लोग हैं उनको आदों को नहीं पता कि ऐसी जगह है जम्मू में, लेकिन भाई ऐसी जगह है जम्मू में है। अरे भाई 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 इतना ऑफ रोड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको मोर दिख जाएगी, क्योंकि जितनी बार मैं आया हूँ उतनी बार मेरे को मोर दिखे ही दिखे हैं यहाँ पे, तो आज भी तो दिखने चाहिए। जगह बहुत ब्यूटीफुल है, एक्सप्लोर नहीं हो पाई है यहाँ पे। ऐसे एक रोड मानसर के लिए भी निकलती है, तो वो रोड मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन आमिर गया हुआ है वहाँ से मानसर के लिए, तो आमिर आज आ नहीं पाया है, हमको ज्वाइन कर नहीं पाया क्योंकि उनको थोड़ा वीडियो पे काम करना था। जब यहाँ ज़्यादा बारिश पड़ती है तो बारिश की वजह से ये जो पत्थर है, ये पथरीला पहाड़ है पूरा, तो पत्थर पूरे नीचे आ जाते हैं रोड पे, ऐसे साइड है, जब ज़्यादा बारिश पड़ती है ये लैंडस्लाइड हो जाता है इनका और ये पूरा नीचे आ जाता है। ऐसी जगह पे आके आपको लगता नहीं है कि आप जम्मू में हो, बीच बीच में लैंडस्लाइड आई है उनकी वजह से थोड़ा रोड खराब खराब सा है, तो हम गिर ना जाएं, बाकी सब ठीक है। तो ये रही पकौड़े की दुकान, हम खाएंगे यहाँ पे पकौड़े। कैसी कंफर्टेबल थी ये? है कंफर्टेबल नहीं है? इन दोनों में देखे जाए ना ये ज्यादा कंफर्टेबल है, KTM से है ना कंफर्टेबल, इसमें कमर दर्द हो जाती है यार। तो यहाँ से व्यू देखो, मतलब यहाँ से नीचे गए तो सीधा नीचे, सामने का व्यू देखो। गरम गरम पकौड़े दिया के हाथ के पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। तो जगह देखो यार कितनी प्यारी है, मतलब इतनी खूबसूरत जगह जम्मू में लगता नहीं रहोगे ऐसी ऐसी जगह है। तो जम्मू में भी ये जगह है भाई साहब, ये पकोड़े रहे गर्म गर्म, ये रही सॉफ्ट ड्रिंक हमारी और ये रही जगह। तो आफू भाई को आ रही डलोजी वाली फीलिंग, क्योंकि बोल रहे कि होटल के बाहर भी ऐसा ही व्यू था वहाँ पे, तो हाँ लिटरली वैसा वैसा व्यू है, ऐसा ही सेम व्यू था, बस होटल इसे थोड़ा और ऊँचा था हमारा और नीचे से पहाड़ था। देख रहे हो मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ पहाड़ है, वो देखो मतलब थोड़ी थोड़ा धुंधला धुंधला सा, दूर दूर तक मतलब पहाड़ ही दिखेंगे आपको। इधर से मानसर का भी रास्ता निकलता है उसे, कभी जाएंगे इस साइड से मानसर, तो कभी हम जाएंगे ज़रूर भाई, हम वहाँ से भी जाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे आपको, टेंशन नहीं करो, बस हम पकौड़े खा लें, प्रे करो ये कि ये निकल ना जाए, वरना हम यहाँ से सीधा नीचे वो नाले के अंदर कहीं मिलेंगे, फिर मिले ना मिले। भाई कैसे लगे पकौड़े आपको? है ना बर्थडे पार्टी फुल ख़त्म, पचास रुपए में निपट गए ना, तो पचास रुपए के आए पकोड़े, दस और पंद्रह कितने हो गए, पचहत्तर रुपए का तेल लगा लो, पचास रुपए का बंदे ने सौ रुपए में पार्टी पूरी फिनिश कर दी। तो ये इसको कहते हैं दिमाग से करना काम। तो पहले खाते हैं पकोड़े, पकौड़े खा लिए। अगर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सामने वो पुराने टाइप के घर होते हैं मिट्टी में, जो मिट्टी में बने होते हैं, बस वो घर यहाँ पे मतलब इतना पीछे आके रह गए, लेकिन मतलब प्यारा लग रहा है ना, मतलब काफी टाइम हो गया था ऐसे घर देखे हुए, यहाँ के आपको ये भी दिख जाएंगे। और व्यू तो भाई साहब यहाँ से इतना मस्त दिखता है, जो सामने दूर दूर पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये मानसर के पहाड़ है यहाँ पे। तो ये कुछ लोकेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही दुकान है पकौड़े, दुकान काफी टेस्टी पकौड़े बनाता है, कभी आके जरूर खाना है पकौड़े।
जरूर करना। आफू भाई को भी काफी पसंद आए, तो अभी निकलते हैं यहाँ से हम सीधा घर के लिए। देखो ये मतलब कितना ऊंचा है यहाँ तक, यहाँ से नीचे गए तो आफू भाई मिलेंगे अभी नहीं हमको। आफू भाई जाना चाहोगे? जाओ यार आफू भाई, देखते हैं, ट्राई करते हैं यार क्या होता है। अभी आओ यहाँ पे पकौड़े खा के देखना है यहाँ के। और व्यू तो भाई साहब मतलब आपको नहीं मिलेगा जब मुंबई ऐसा कहीं देखने के लिए। भाई क्यों रुक गए? भाई और हम सोच रहे हैं कि ऑफ रोडिंग करेंगे थोड़ी, तो मज़ा आ जाएगा ऑफ रोड करने में। जन्माष्टमी की ढेर ढेर बधाइयाँ मेरी तरफ से आपको। परसों ऑफ रोड की थी लेकिन आज फिर से ऑफ रोड करने का मन है आपको भाई। यार रोड बिल्कुल ख़राब है भाई, मतलब बाइक चलाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। और इस वाली बाइक में ABS भी नहीं है, मेरी वाली बाइक में फिर भी ABS है। कुल कच्चा रोड है, बाइक लाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है रास्ता। तो देखते हैं यहाँ से आगे जाना है नहीं आना। तो आपू भाई फंस गए हैं भाई साहब, यहाँ नहीं जाना, नाले बन चुके हैं रोड में। वो देखो नाले बन चुके हैं रोड में और हम यहाँ जा रहे हैं। बाइक का टायर पता स्लिप कैसे कर रहा है। हम जाएंगे उस तरफ। है बर्मिनी लेके आया था यहाँ थोड़े। यो भाई साहब यहाँ देखो, और देख रहे हो इतना नीचे, यहाँ से नीचे गए तो मिलेंगे भी नहीं। और आफू भाई और आगे आगे ही जा रहे हैं। यहाँ से व्यू देखो, मतलब यहाँ कहाँ उतार दिए बाइकें हमने, बिल्कुल बिल्कुल ख़राब रास्ता है यहाँ पे। बाइकें यहाँ से नीचे, बाइक आफू भाई बाइक लेके जाओगे नीचे? बाइक लेके नीचे जाओगे? आमिर नहीं है साथ में, आमिर साथ तक कर लेते, कभी रुकता नहीं है आमिर, इधर से भी ले जाता नीचे, कहीं नीचे रुकता हुआ। आज मैंने अपनी बाइक धुलाई है तो कितनी साफ साफ लग रही, मतलब स्पाइडरमैन बिल्कुल क्लीन सा लग रहा है, एकदम साफ सा। निकलते हैं वापस यहाँ से। तो बकरी यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ हैं। ओ भाई 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 बस 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 बस, रुक 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 रुक, चल चल चल। तो आफू भाई हर जगह गिर जाते हैं। मैं बाहर को बोल रहा था तू गिरना नहीं, तो आफू भाई खुद गिर गए। कहाँ जा रहे हो आफू भाई? कोई बात नहीं, रुक जाओ देखते हैं, कर दो बंद, बंद कर दो बंद, लगी तो नहीं ज़्यादा। चलो कोई नहीं, बच गए ना, आहिस्ता आहिस्ता जाना। भाई साहब आप गिरे क्यों जा रहे हो, हर जगह गिरते जा रहे हो आफू भाई। तू भी आ जा यार आफू भाई, ब्लॉग में ले लो इसको यार। चलते यहाँ से वापस, जाने का मन तो है नहीं क्योंकि यार मौसम काफी अच्छा है, ठंडी वाली साइड भी बहुत ज्यादा गर्मी है आजकल। तो आफू भाई क्या कर रहे हैं आज? ओ शिट, कहाँ जा रहे हो आफू भाई, कहाँ लेके जा रहे हो यार? एक आफू भाई के पीछे पीछे हम भी कहीं भी जा रहे हैं। यार काफ़ी ख़राब रास्ता है, ऐसे ऑफ रोड के चक्कर में काफ़ी नीचे उतर गए हम। यहाँ पे गोल पत्थर है, गोल पत्थर पे चलानी बाइक बहुत मुश्किल है, बाइक मेरी बार बार पीछे से बाहर जा रही है। भाई साहब ऑफ रोड कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया हमारा। अरे ऑफ रोड नहीं है भाई ये, यहाँ पे हिमालयन चलाओ ये नहीं लेके आ रहे। और KTM के लायक रोड बिल्कुल भी नहीं है भाई। ओ भाई शुक्र है ऊपर वाले का बाहर आ गए इस रोड से, मज़ा आया। लेकिन यार रिस्ट में पेन होगी यार, ये देखो हाथ बिल्कुल लाल हो गए मेरे, पूरा लोड मतलब RC पे यही चक्कर है कि पूरा लोड आपका हाथों पे आता है, तो हाथों पे लोड आने की वजह से पूरा मतलब रिस्ट में दर्द हो जाती है मेरे को, दोनों रिस्ट में इतनी दर्द हो रही है अभी। इसलिए मैंने RS ली थी यार, बहुत सोच समझ के मैंने RS ली थी क्योंकि कम्फर्टेबल है और मेरे को पता था कि हमने दूर दूर की राइड्स करनी है, इसलिए मैंने RS ली थी। तो RS में एक ही प्रॉब्लम लगी मेरे को, कलर स्कीम बहुत ही गंदी कलर स्कीम आई हुई है। हाँ आफू भाई को खा लिया, ढलोजी याद आ रहा है बार बार, ढलोजी ढलोजी किए जा रहे हैं, ये ढलोजी का, ये मोड़ ढलोजी का है। आ गए हैं वापस उसी लोकेशन पे जहाँ से हमने किया था स्टार्ट, तो काफी मजा आया ऊपर जाके। तो आफू भाई कह रहे थे कंजूस है कंजूस है, आफू भाई मजा कैसा आया पहले ये बताओ। ऊपर जाके लोकेशन जो भाई साहब लिटरली बहुत प्यारी जगह है, मौसम भी काफी अच्छा था, धूप था, और ये देखो पीछे पतंगे लूट रहे, जन्माष्टमी का दिन है और ये दिन काफी संभल के चलना क्योंकि मेरा गला कटा है भाई, मेरे को पता जन्माष्टमी के दिन मेरा पिछली बार गला कट गया था, तो काफी सेफली ड्राइव करना बस। पर एक चीज की थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, आपू भाई को भी काट लिया किसी ने, मतलब पतंग ने नहीं काटा लेकिन काटा आज जन्माष्टमी के दिन को भी काट लिया। तो मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी सबको, ऑफ रोड किया बाइक पे, आपू भाई कह रहे थोड़ा बहुत ऑफ रोड भाई, रोड के बीच में नाले थे वो था, थोड़ा बहुत ऑफ रोड किया हमने और ऑफ रोड पूरा भरा हुआ था ऑफ रोड से रोड। दो बार गिरते गिरते बचाओ मैं। दो एक बार इसको बोल रहा था कि गिरना नहीं आराम से चलो और गिर में आ गया दोनों बाइक से, मतलब एक बार ये टेढ़ी होगी थोड़ी सी, एक बार अपनी वाली टेढ़ी। तो
तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। करता हूँ मैं वीडियो को यहीं पे एंड। तो मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।